खबर यूपी के उन्नाव से है, जहां पर दबंगई के आगे पूरा परिवार परेशान है। दरअसल आपको बता दूं, पूरा मामला उन्नाव के अजगैन थाना क्षेत्र के ग्राम बहोली का है, जहां पर पीड़ित दिलीप सोनी का परिवार दबंगों से परेशान है। पीड़ित के घर के सामने दबंगों ने जबरिया मिट्टी डलवाकर कीचड़ कर रखा है और पीड़ित के घर का नाली का पानी भी बंद कर रखा है। पीड़ित के घर के सामने सहन की जमीन पर कब्जा कर रखा है। जब पीड़ित ने इसका विरोध किया तो उक्त दबंगों द्वारा उसे भद्दी भद्दी गालियां दी गई और उसे जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित थाने पर इसकी सूचना दी कई बार, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। दबंगों के आगे नतमस्तक पुलिस दिखाई दे रही है, उल्टा पीड़ित के ऊपर कार्रवाई करने के लिए पुलिस तैयार है। वहीं पीड़ित ने आज आहत होकर उन्नाव जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। जिलाधिकारी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई के आदेश दिए हैं। वहीं पर पीड़ित दिलीप ने मीडिया में अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि ग्राम के कुछ दबंग रूपचंद करुणा शंकर दिलीप द्वारा जबरदस्ती कब्जा की नियत से परेशान किया जा रहा है और हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। नाम है आपका? हमारा नाम दिलीप कुमार सोनी है। अच्छा, आज आप जिला अधिकारी ऑफिस आए हैं, एप्लीकेशन दिया है, क्या है मामला? मामला ये है कि हमारे रास्ते में मिट्टी डाल रखी है। किसने डाल रखी है मिट्टी? रूपचंद और रामानंद करुणा शंकर दीपक। तो मिट्टी क्यों डाल रखी है? मिट्टी एक गुंडे दिखा रहे हैं और एक के सामने का रोड के उस तरफ का मेरा मकान है, वो भी जबरदस्ती कब्जा कर लिया। और ये लोग दबंग लोग हैं। तो आपके मकान पर कब्जा कब से किए हुए हैं? ये कब्जा हमारा करीब 20 साल से किए हुए हैं। मकान किसके नाम है? वो मकान मेरे चाचा राम आश्रय के नाम है। और इधर रास्ते में आ करके एक जबरदस्ती मोहरा खोल लिया और उसमें हकदारी जमा रहे हैं। और आज हम 22 सालों से तनहा, हमारी रास्ता बुजुर्गों से है और 22 सालों से हम पीड़ित हैं। हमें ही जाना है, हमें ही आना है, फिर भी उस रास्ते में माटी डाल दिया है और कोई अधिकारी हर जगह गए। तो रास्ता उसमें इंटरलॉक नहीं लगा, बनाया नहीं सर? बनाया नहीं, हमने पाइप डाल करके अपने सहन में पक्का करना चाहते थे और आगे जो रास्ता है रास्ते में खरंजा लगा करके निकलने बैठने की रास्ता बनाना चाह रहे थे, तो अपने सीमा में पाइप डाला अपने सहन में और सहन के आगे पाइप डाल करके नाली तक पहुंचना चाहते हैं और सरकारी नाली भी नहीं बनने दिया। अच्छा, तो इसकी शिकायत आपने वहाँ SDM या थाना में दी सूचना? पहले इसके पहले हमने थाने में सूचना दी, फिर यहाँ SP साहब के यहाँ दिया, फिर यहाँ एक शिकायत DM साहब के यहाँ दिया। अच्छा, तो आज दोबारा की गई अभी तक? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, आज दोबारा फिर आए हैं सर के पास। आज DM साहब से मिले, क्या आश्वासन दिया? दिया है कि जाइए वहाँ SDM से मिलिए और वहाँ से तुम्हारा काम होगा।